हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो इससे पहले वाला शॉट आपने देख लिया होगा कि मैं लाइन में खड़ा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने आया था मैं। बट सीन ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे से मैं लाइन में खड़ा हूँ पागलों जैसा। तो उतने में मुझे इतना आइडिया नहीं था और मेरे को भरना है ऑनलाइन, ठीक है। अब मेरे गूगल पे से ऑनलाइन बिल पेमेंट हो रहा नहीं, आई डोंट नो क्या रीज़न है, डिक्लाइन बता रहा है बार बार। तो उतने में मेरी वीडियो कॉल पे बात हो रही थी बुरान से, बुरान को मैंने पूछा कहाँ है क्या है नहीं है। तो बुरान पूछा तू कहाँ है, मैं बोला मैं बिल भरना आया हूँ लाइन में खड़ा हूँ। तो उतने में बुरान ने बोला अरे बोले ब्रो उस दिन मैं भी गया था, ऐसा सीन वैसा सीन ये वो कुछ बोल रहा था। उसके बाद बोला कि यार वो कैश बहुत स्लो लेते हैं, ये करते हैं। बोला कैश लेते हैं ऑनलाइन नहीं है क्या? तो बोला कि एक बार जाके ना पूछ ले वहाँ पे। पौना घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद मैंने जाके वो सिक्योरिटी से पूछा कि मैम यहाँ पर ऑनलाइन होगा? तो उन्होंने बोला नहीं ऑनलाइन नहीं होगा। मेरे ऐसे दिमाग की हटी है ना यार, बोला भाई सही है, पौना घंटा बर्बाद करने के बाद एट दी एंड सीन ये हो गया कि वो चीज़ हो ही नहीं रही है। फिर मैंने शिरिन को कॉल किया तो शिरिन ने बोला एक काम करो, ऑनलाइन भरना है ना, अपने घर के पास एक बंदा है वो भर के दे देगा आप। मैंने बोला चल ठीक है, मैं आता हूँ फिर वहीं पर आके भरता हूँ। अभी मैं रिटर्न जा रहा हूँ घर के पास जाके पहले ये काम पटा लेता, फिर उसके बाद तफसील से आप सुन करके भी देखो फ्रिज में कितनी चीज़ें जमा हो गई। अभी पूरा खाली कर दी, अभी सब पूरा निकाल के थैली में डाल के अभी मेरे को फेंकना पड़ेगा, पता है। इतना मेरे को इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना अभी। और एक तो ये मैंने चटनी भी पता है मेरे ध्यान से उतर गई, और मैं फ्रिज इतने दिन से मैं ध्यान भी नहीं दे रही, और कैसे मैं कुछ भी फ्रिज से मंगा रही हूँ। तो ये फ्रिज में ऐसे मैंने कटोरी में रख दी, मेरे को कंटेनर में रखने के बदले मैंने ऐसे ओपन रख दी। पता कितनी होशियार हूँ मैं ध्यान से उतर गया सब। अभी सब जमा करके एक साथ थैली में मेरे को फेंकना पड़ेगा। और मुझे सबसे बुरा लगता है ये चीज़ कि खाना वेस्ट होता है और इतना फेंकना पड़ता है, बताओ। चलो कोई ना, अभी कैफ तो लाइट बिल भरने गया जो कि हुआ नहीं काम। मैंने बना दिया चाय यहाँ पर, कैफ आएंगे तो चाय पियेंगे। लड़के ने बिस्किट लेके आया खुद के लिए, क्रैक जैक मेरे लिए गुड्डे, और मैंने मस्का निकाला क्योंकि रात को मैंने ना आते आते होटल से मलबारी पराठा लिया था, मलबारी ही बोलते शायद से। तो मैंने बोला कि अभी 2 बज गया था, तो मैंने बोला सुबह चाय के साथ उसको मस्के में सेक के खाऊंगी। तो अभी मैंने प्लेट तवा ववा सब ऊपर ही रखा है, कैफ आने के बाद करूँगी, जब तक पहले ये कर लूँ मैं। और घर तो मैंने मस्त साफ वाफ कर दिया, सामने वामे ने सब उठा के रख दिए, सब साफ करके फारिक होके ये मिलती हूँ आप लोगों से। देखो गाइस अभी मेरी कढ़ाई का हाल क्या है, अभी इसको कैसे चमकाती हूँ, मेरा मैजिक देखो। और मैं घर आ गया, कैफे में जहाँ मैं दूसरी जगह गया था लाइट बिल भरने, वहाँ पे लाइट ही नहीं थी। तो अभी देखो मेरी कढ़ाई ना बहुत पीली हो गई, वीडियो में अच्छी भी नहीं लग रही थी क्योंकि वो वाले काते से हो ही नहीं रहा था। अभी मैंने कैसे मंगाई काता, अब देखो कैसे मैं खस के बताती आप लोग को। देख सकते हो गाइस पूरा पीलापन निकाल दिया है, और जो हल्का हल्का भी इधर इधर है ना वो और एक दो वॉश में निकाल दूंगी, अभी जितनी ताकत थी पूरी लगा दी, ठीक है। देख सकते हो मस्त साफ कर दिया, पीछे भी पूरा पीला पीला हो गया था पता है, क्योंकि मेरे को वो यही काता जमता है, इसके अलावा कोई काता नहीं जमता। मेरे को इतनी साफ तो हो गई, अभी फटाफट नाश्ता कर लेते, बर्तन यार रख दिए धो के, पूरा क्लीन कर दिया किचन नीचे, नाश्ता करके आपसे मिलती हूँ। देखो इतने दिन के बाद मेरा दोस्त आया। ले इधर नीचे आगे लेके जा रहे हैं, आगे लेके जा, वो नहीं आएगा। ले देखते लेता है कि नहीं। तो इतने दिन से आया नहीं, तेरे लिए मैं घाटिया भी भूल गई लाना, सॉरी। नहीं तो ये लोग घाटिया बहुत शौक से खाते हैं। क्या हो रहा? क्यों? कहाँ गया हो? चला भी गया।
सो गाइस आप देख सकते हो व्लॉग ही सेव नहीं हो रहा है, 156 हो चुका है। कैफ तो नमाज के लिए चले गए, 156 हो गया, व्लॉग सेव नहीं हो रहा है। अभी ऐसी बारिश है, पूरा यहाँ तक पूरा पानी पानी हो गया था, और एक सेकंड की बारिश आई है सिर्फ थोड़ी देर के लिए, फिर चली भी गई। और व्लॉग सेव नहीं हो रहा है यार, बहुत स्ट्रगल है कसम से। अब इतनी चीज़ डिलीट करी कैफ के फ़ोन से, फिर भी नहीं हो रहा है। अभी आई होप कि हो जाए, प्लीज़ हो जाए। सो गाइज यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूंग दाल की वड़ी, तो उसमें मैंने चने की दाल भी थोड़ी भिगा दी थोड़ा क्रिस्पीनेस के लिए, ठीक है। और मूंग दाल अच्छे से मेरी भीग चुकी है, और मैं इतनी थोड़ी दाली, तो इतनी ज़्यादा हो गई मेरे को मालूम नहीं रहा, और मैंने इतनी थोड़ी दाली उसकी वजह से मैंने देखो थोड़ा ही सब सामान ली हूँ। चलो कोई ना, हो जाएगा मेरे को तो लगता है। कांदा काट लिया है मैंने ऐसे बॉक्स टाइप में थोड़ा कांदा, कोथमीर काट के ले लिए है, लहसुन कूट के ले लिया है, कड़ी पत्ते को काट दिया है, हरी मिर्ची को गोल गोल काट लिया है, ठीक है। सो ये डालना है हमको, पहले मूंग दाल को हम पीस लेंगे। और यहाँ पर हो रही हरी चटनी की तैयारी, इधर मैंने पुदीना कोथमीर लहसुन, उसमें है अदरक, ये देखिए अदरक और हरी मिर्ची, ठीक है। अभी मैंने इसको वॉश करके ले लिया, पहले चटनी बना के रख दूंगी, फिर उसके बाद में आटा मूंग दाल का ये पीस लूंगी, फिर आप लोग को बताती हूँ आगे का क्या है। सो गाइस हरी चटनी तो मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को कि कैसे बनानी है, तो मैंने सब डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, और नींबू मैं पीसने के बाद एक अक्खा नींबू डालूंगी इसके अंदर, ठीक है। आप लोग को पीस के फिर दिखाती हूँ। तो मैंने नींबू भी निचोड़ लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी चटनी बन चुकी है मेरी। अभी मैं बड़े के प्रोसेस में लगती हूँ, ठीक है, बने रहिए। सो अभी मैंने मिक्सी में डाल दिया है दाल, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, पानी जो थोड़ा सा था दाल का उतना ही डाला है। और अभी इसमें नमक डाल रही हूँ, ठीक है, नमक डाल दिया मैंने। अब इसको और ज़्यादा पतला नहीं पीसना, हल्का दरदरा ही रखना है, ठीक है। अब आप लोग सोचो कि मेरे दोनों हाथ यहाँ है यार, ये मेरे को मिक्सर तू बना रही क्या? मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या बना रही, मैं बस बना रही हूँ। तो हल्का सा मैं पानी ले रही हूँ गाइस, एकदम हल्का सा, ज़्यादा नहीं, देख सकते आप, देखो देखो ज़्यादा पानी नहीं डाले। अभी इसको क्या कर रहे हो ये? अंदर मेरे को लगा दिखेगा, नहीं दिख रहा। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने पीस लिया है, और बैटर को एकदम ही पतला नहीं किया है, देख सकते हो इसमें दरदरापन है, दरदरापन है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कैमरा पर, अभी तो इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, कड़ी पत्ता, ठीक है, कोथमीर और कांदा, हरी मिर्ची, ठीक है। मैंने सब सामान इसके अंदर डाल दिया, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा क्वांटिटी में जो मिर्ची पाउडर दिए थे ना, तीखा वाला नहीं, तीखा नहीं है ये जो मिर्ची मसाले पाउडर है, हाँ मसाले वाले, तीखा नहीं है, थोड़ा सा ये डाल दिया, ठीक है, ये थोड़ा ही है। माय गॉड दिस इज थोड़ा, एंड यार थोड़ा, और डाल रही हूँ मैं जीरा, जीरा और इसमें डालूंगी थोड़ी सी बोलो हल्दी, जिसका ढक्कन मेरे से खुल नहीं रहा, हाँ खुल गया। शीरिन भी हल्दी बन के घूम रही है आज, क्या कल से हल्दी बनी हुई हो। मेरे को भी ना अभी शाम को नहाने की आदत हो गई है, क्या कुछ गंदी आदत हो रही है, ये थोड़ी सी हल्दी डाल दी, ठीक है, थोड़ी सी। अब इसको मिलाएंगे, सीधा हाथ डाल के मिला, नहीं ना मेरा हाथ जल रहा है ना, वो मसालों की वजह से जल रहा है, इस वजह से नहीं डाल रही हाथ पर, ऐसे तो हाथ से अच्छा मिक्स हुआ जाता है, पर क्या कर सकते हैं, मेरे हाथ में कट भी हो गया कल सेब के भाजी काटते काटते, मैं करूं मिक्स, नहीं 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 चाहिए। तो माशाल्लाह से देख सकते हो आप क्या ही बैटर बना है, क्या ही बना है ना, बैटर बना है।
और इसको अभी ना मिक्स करके ना 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी कि उसके अंदर सब जो भी कांदा स्वाद ना मिक्स हो जाए उस हिसाब से, एनहांस हो जाए इसमें। या एनहांस, वाओ इंग्लिश वर्ड कमिंग टुडे। गाइस कमेंट आया है कि व्लॉग्स आप प्लीज छोटे बनाया करो, छोटे व्लॉग्स क्या होते कैफ, लंबे व्लॉग्स के टाइमिंग्स देख के लोग व्लॉग्स नहीं देखते। तो गाइस प्लीज कमेंट करके बताइए आपको इसी तरीके से लंबे व्लॉग्स चाहिए या व्लॉग्स छोटे चाहिए। हमको दोनों में भी प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं, सिर्फ आपकी फरमाइशों पे। जी बिल्कुल। तो ये कितना इजी है और देख सकते हो घर के ही मसालों से बन गया, ज्यादा कुछ बाहर से लाना भी नहीं पड़ा। मूंग दाल ले ली 10-20 रुपए की, चना दाल ले ली और बस। मूंग दाल है इसमें, चना दाल है। कब डाली? मूंग जब डाली जब डालना था। चने की दाल तो 10 रुपए की। हाँ 10 रुपए की चने की दाल, 20 रुपए की मूंग की दाल ले लो। 10 रुपए में आ जाएगी इतनी सारी जितनी चाहिए। चलो अभी इसको छोड़ देती हूँ, ठीक है, फिर फ्राई करने के टाइम पे आपसे मिलती हूँ। सो गाइस अभी मैं मस्त नहा के निकली, मैंने बोला जब तक बैटर भी अच्छा बिक जाएगा तो तब मैं नहा लेती हूँ। फटाफट नहा लिया मैंने, अभी फटाफट फ्राई करने लगती, गैस चालू कर दिया, कढ़ाई भी रख दी और आप लोगों को दिखाती हूँ। गैस चालू करके कढ़ाई रख दी पर तेल ही नहीं डाली मैंने, तेल ही डालना मेरे ध्यान से, मैं जब तक कढ़ाई करूँ, ठीक है। तो अभी तेल डाल दिया मैंने, तेल गरम हो जाए और यहाँ पर बैटर अच्छा भीग चुका है। अब एक एक करके, और कुछ लोग इसमें ना गाइस बेकिंग सोडा भी डालते हैं ऐसा मैंने सुना है, अच्छा फूलने के लिए ऐसा मैंने सुना है कि कोई कोई लोग बेकिंग सोडा भी डालते हैं। अब हम पहला डाल के देखेंगे, तेल गरम हो गया तो अपन एक एक करके बड़ी डालेंगे दूसरा। और इसको मैंने सुना है कि छोटा ही बनता है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जाता इसको। ठीक है बाकी तो आप समझ ही गए होगे, तो अभी मैं सब कर लूं फिर निकालते वक्त आपसे मिलते हैं। सो आप देख सकते हो माशाल्लाह से कैसा अच्छा फ्राई हो गया है, तो गोल्डन भी हो रहा है। और मैंने पहली बार बनाया गाइस दाल बड़ी, मूंग दाल के बड़े पहली बार बनाई हूँ। चपटा टाइप करना चाहिए? नहीं इसको चपटा नहीं बनाते, क्या इसको ऐसा ही बनाया जाता है, दुकान वाले लोग भी ऐसे ही बेचते हैं इसको। चपटा तो मैंने आज तक नहीं सुना। दाल वाला जो अन्ना लोग बेचते वो अलग है, ये उड़द इसमें मूंग दाल उड़द की बोल रही हूँ। उड़द किसको बोलते हैं? उड़द व्हाइट वाली होती है ना, जिससे आई गेस मेंदू वड़ा बनता है। क्यों मैं इतना दिमाग दौड़ा रहा है, छोड़। मैं भी क्यों दौड़ा रही हूँ, जो बनाना हो तो बना के दिखा ही रही हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो रेसिपी बहुत सिंपल थी। हाँ फटाफट बनाओ, कभी सब बारिश, हाँ, में, बारिश खाने, में खाने का मन हो तो ये सब चीज कर सकते हो। जनरली लोगों को आती है बट फिर भी हमने सोचा कि अगर जब बना रही है तो फिर बता दे, ठीक है। और खास करके आप लोग प्लीज ध्यान रखना कि लाइक जैसे हमने बोला कि वीडियो के बारे में हमको बता देना कि अगर आपको व्लॉग्स लंबे चाहिए या शॉर्ट व्लॉग्स चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। और ये इसके डालने का एक बार स्टाइल देख लो। तो अब ये पूरे एक टाइम पे रेडी हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं। हाँ शिरे, हाँ टेस्ट कराने के लिए। यस सो गाइस यहाँ पर मेरी दाल बड़ी रेडी है और यहाँ पर रही हरी चटनी विद द सिग्नेचर ऑफ शिरिन की, कभी भी कुछ भी लेती हूँ तो मैं गिराती जरूर हूँ। सो अभी पहले कैफ बिस्मिल्लाह करेंगे, चटनी में हुआ डिप। एकदम ऑनेस्ट रिप्लाई देना प्लीज, नमक कम है, तीखा ज्यादा है, फीका नहीं है, टेस्ट नहीं है।
आप है। अच्छा बना? बहुत अच्छा बना। नहीं ना, बन के कैमरा अच्छा बन के चटनी तो और खाता है। दोनों जब एक साथ मिक्स हो रहा है ना। चलो ठीक है, पास हो गया। मैं कुछ पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं इस पे आप ट्राई करती हूँ सब। चलो अभी कैफ खा रहे हैं, और मैं तो खाती हूँ नहीं है, सिर्फ मैंने कैफ और जैनब के लिए बनाई और मैं नहीं खाती हूँ गाइस। अच्छा है, पक्का ना? फिर मैं खाऊंगा, मैं सो जाऊंगा। चलो ठीक है गाइस, पास। तभी कैफ जा रहे हैं सामने वाले आंटी को भी बड़ी और थोड़ा चटनी देने के लिए, कल आंटी ने मेरे को हेल्प किए थे, आटा ये सब दिए थे। और यहाँ पर जैनब के लिए भी पैक कर दिया मैंने चटनी और भजिए। अभी कैफ आ जाए, मैं रेडी हो जाती हूँ। हाय सानू, ओमो यो यो यो। सो गाइस अभी तैयार होके निकल गए हैं और अपना क्या नाम है, जैनब के आ गई तो जैनब नहीं है, जैनब बोलती मैं वॉक करने आई हूँ, तुम लोगों को मैं रोड पे दिख जाऊंगी, तुम लोग जब जाते रहेंगे ना तुम लोगों को मैं दिख जाऊंगी। तो अभी हम लोग की नज़र उस पर घूम रही है। इत्तेफाक से भी नहीं और ना ही को इंसिडेंटली शिरीन ने मेरे को आज कॉपी कर दी। मैं क्यों किसी को कॉपी करूँ? ठीक है चलो गाइस, अभी मैं ना जैनब को ढूंढ के पहले दे देती हूँ, फिर उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। ये देखो उसको वड़ा दे दी और ना इतना वॉक करके अभी तेल वाली चीज खाने वाली है। क्या मेंटेन कर रही है खुद को, देखो देखो कैसे चलते जा रही है। और ना इसको रोड पे चलने भी नहीं आता है गाइस, इसको रोड पे चलने भी नहीं आता है, कभी भी कुछ भी कर लेती, गिर जाती है किधर भी। ए दीदी चल हम लोग निकल गए। सभी हम लोग रुके हैं, पी रहे दोनों जन थम्स अप कांच की बोतल वाला। कितना टाइम हो गया पी के, चलो फटाफट पीते नहीं तो गैस उड़ जाएगी। ठीक है, आए अरायना का बर्थडे था तो अरायना तो सो गई थी, वो सो गई। अभी कैफ बच्ची को लेके घूमा झुला रही है, कितना गंदा दिख रहा है। हां एक्चुअली में हम लोग माइन से निकल गए, काफी लेट हो गया, बैठे बैठे बात करते करते 3 बज गए रात के, और ऐसे ही बैठे बैठे बात करते करते इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। अब मेरे को आ रही है मजबूत वाली नींद, अब ऐसा लग रहा है कब घर पे जाऊँ और कब जाके सो जाऊँ। तो मैं एंड आज बाइक पे करूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। और गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो शॉर्ट बनाने चाहिए, जैसे हम लोग नॉर्मल जितना हम लोग डेली शूट करते हैं उतना लॉन्ग व्लॉग देखना है कि शॉर्ट व्लॉग देखना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। एनीवे अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मैंने ना ये चीज़ केक मंगाई थी और कल मेरा नुकसान ही हो रहा था, कल मंगाई थी मैंने ये, और हुआ ये कि ना कल खाना भी मुझे अच्छा नहीं मिला। आते आते मेरा बहुत मन था ऐसा अंडा सालन खाने का, चिकन और अंडे का, वो भी मुझे फुल बोला मैंने उसने इतनी डब्बे में क्वांटिटी दिया। मैंने चीज़ केक ऑर्डर किया समथिंग 230 का सब दे है ना, 230 का है, और ये देखो कितना सा आया। यार नुकसान हो रहा है जान। ये क्या आ गया, हाँ ना यार, क्या है यार ये, चलो कोई ना।